एक वेब बेस्ड वेब सिस्टम है, उसमें जो पे है डॉट्स 99 में पेशेंट को दी जाती है या उसे अलार्म किया जाता है जब भी वो कोई ट्यूबरक्लोसिस थेरेपी मिस करेगा तो उसको एक मैसेज आ जाती है कि आपने आज मिस किया ड्रग तो आप इसको ले लीजिए। दूसरा है निक्षय पोषण योजना, और अगर आप नोटिफाई करेंगे नोटिफाई नहीं कर, मे बी मेरे पास पेशेंट आया या लेबोरेटरी वाले पास पेशेंट आया उसने टीबी, मतलब उस अगर पुलिस को पता चले कि इसने नोटिफाई नहीं किया तो ही विल बी चार्ज्ड फॉर दैट अंडर सेक्शन 269 एंड 270 इंडियन पिनल कोड। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि जो टीबी है हाउ इट इम्पैक्ट्स यू, चीजें आपको दिमाग में रखनी पड़ती है जब भी आप ये जानने के लिए कि पेशेंट को जो ट्रोस हो सकता है नहीं हो सकता है। तो कफ है, खांसी आ रही है राइट, और अगर उसकी खांसी दो हफ्ते तक चल रही है, उसने एंटीबायोटिक ले रखे हैं मगर उसको फर्क नहीं पड़ रही है के बाद, अब अभी क्या होता है मेन क्या प्रॉब्लम होता है ग्राउंड लेवल ही होगा क्योंकि देखो इंप्रूव लगता है तो वो क्या करता है कि दवाई को छोड़ देता है। अब 3 महीने का बोलता है कि यार मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया, अब तो मुझे ना खांसी है ना कुछ है बोल के वो छोड़ देते हैं। फिर उससे क्या होता है मल्टी सेकंड बोला ना, इसमें भी मेरे पास 42 केसेस अभी भी है कि हमें ये लग रहा है ना कि हमारे यहाँ पे बिल्कुल ट्यूबरकुलोसिस नहीं है, में ही 12 है अभी ट्यू सेकंड का, तो मैंने कहा संस्कार तक है, लेकिन इसलिए यही है कि हमें ट्रीटमेंट लेना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि लोगों में ये है ना कि स्टिग्मा, ये लोग जो है ना अगर किसी को अगर हो भी जाता है सेंस सिम्टम्स आ जाते हैं वो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं क्योंकि एक से दूसरे को आराम से लग जाएगा, जैसे आपको डॉक्टर साहब ने कहा दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा। अब किसी का इम्यूनिटी थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा तो वो उसको उससे इफेक्ट नहीं होगा, जिसका खासकर जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो पेशेंट है उनको इफेक्ट कर देंगे। अब हम देखो ज्यादातर हम क्या बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस।